दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो, ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तब हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर टू, दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थाई होता है, जबकि गरीब स्थाई होता है। गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि वो इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों वाले थे। पॉइंट नंबर थ्री, पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु यदि आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। स्कूल्स में यह नहीं सिखाया जाता है कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसीलिए ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पॉइंट नंबर फोर, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम पर गर्व है। मैं फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो और हार मत मानो। पॉइंट नंबर फाइव, अगर तुम में तत्काल फैसला लेने की क्षमता नहीं है, तो तुम कभी भी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल फैसला लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। पॉइंट नंबर सिक्स, अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो, तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्के को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। लेकिन वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या अपने पति को। वे ये नहीं जानते हैं कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। जिंदगी हम सबको धक्के देती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए धक्कों का मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। वे सीखते हैं और खुद को आगे बढ़ा लेते हैं। पॉइंट नंबर सेवन, ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह कभी नहीं मिलती। सरकार हमेशा अपना हिस्सा टैक्स के रूप में पहले ही ले लेती है। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है।
जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और फाइनली जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लेकिन अमीर लोग सरकार को ऐसा नहीं करने देते, सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही सरकार को ऐसा करने देते हैं। पॉइंट नंबर 8, हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। और यह भी सच है कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह है कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और वो उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले वो पैसे के बिना रहने के डर से कड़ी मेहनत करते हैं, और इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसे होने पर हम उन बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं, और इस तरह से हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह उठो, काम पर जाओ, खर्च करो। सुबह उठो, काम पर जाओ, खर्च करो। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल भी जाए तो भी वो इसी पैटर्न पे चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे, और इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहा जाता है, यानी रैट रेस कहा जाता है। पॉइंट नंबर 9, अगर तुम्हें डर और लालच पे काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर और अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। पॉइंट नंबर 10, धन असल में एक भ्रम है जो हकीकत में एक गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल में एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे की वजह से ही ताश के पत्तों का ये महल खड़ा रह पाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीबों और अमीरों के बीच खाई एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यम वर्गीय और नासमझ लोगों की जिंदगी सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे ये भरोसा करते हैं कि धन ही असली चीज है, और वो जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी या सरकार उनका ख्याल रखेगी। पॉइंट नंबर 11, जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा पैसा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वो पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। पॉइंट नंबर 12, रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या हम आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक हम चाहें तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आजाद हैं, और इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, महंगाई से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से, और असल मायने में आजादी इसी को कहते हैं। पॉइंट नंबर 13, बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो तमाम आर्थिक उतार चढ़ावों के बावजूद भी वो बहुत अमीर बन सकते हैं।
अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। समस्याएं बुद्धि से सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। पॉइंट नंबर 14, अमीर होने का सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्वों के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानना जरूरी है। यही पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है लेकिन ज्यादातर लोगों को यह एहसास ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 15, संपत्ति वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है और दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहिए। पैसे की तंगी का कारण सिर्फ यही है कि लोग इनके बीच के फर्क को नहीं जानते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 16, आज व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता के साथ कोई सीधा संबंध नहीं रह गया है। जब विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है तब करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं लेकिन बाद में वो पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी शिक्षा में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसे कमाना नहीं सिखाया गया है बल्कि ये है कि उन्हें पैसे खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है। पॉइंट नंबर 17, लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसीलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए कार्य करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। पॉइंट नंबर 18, पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। आप जो भी काम करते हैं उसे करते रहें परंतु साथ ही साथ अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता वाली चीजें यानी लग्जूरियस चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ी ऐसी विलासिता वाली चीजें इसीलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें, और वे दिखते भी हैं परंतु असल में वो उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 19, हम में बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं परंतु जो चीज हम सभी को पीछे धकेलती है वो है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबरों के होने का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। ये तत्व चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। पॉइंट नंबर 20, व्यक्ति की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन हैं बहुत ज्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। असली जिंदगी में इंटेलिजेंट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ पाते हैं। पॉइंट नंबर 21, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं
और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो सही चीज के होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 22, फाइनेंशियल बुद्धि चार मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। नंबर एक, वित्तीय साक्षरता यानी अंकों को पढ़ने की योग्यता। नंबर दो, निवेश की रणनीति यानी धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। नंबर तीन, बाजार यानी मांग और पूर्ति की समझ। नंबर चार, कानून नेशनल कानूनों के बारे में जागरूकता यानी नियमों के भीतर रहकर खेलना। यदि आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में ये मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए यानी इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। पॉइंट नंबर 23, आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। पॉइंट नंबर 24, स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स, तत्काल आपने देखा होगा, बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। और यही बात अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में भी सही है। पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में यकीन रखते थे, इसीलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अमीर डैडी इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। पॉइंट नंबर 25, एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसीलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों की तनख्वाहें देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है।